तो एक मैगजीन में ऐसे दे रखा है, मतलब पहले तो पूरा जो नेशनल है इंटरनेशनल है। सही है, इसने नू कर ले उड़ा को उधर ले नू बस नू 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 उधर ले। तो धुंध देखिए आज कितनी छाई हुई है बाहर, और इस धुंध से आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस ठंड से बचने के लिए आज मैं खा रहा हूँ बाजरे की रोटी, और साथ में चाय है, और जो घी है मक्खन वो मैंने रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। सो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी सही से कर रहे हैं। सो आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और अभी मैं करंट अफेयर का थोड़ा रिविजन कर रहा हूँ, मैंने एक मंथली मैगजीन ले रखी है इसमें से। और उसके बाद हमारे गाँव में एक छोटा सा प्रोग्राम है इसको रिपब्लिक डे को लेकर, ठीक है, उस पर भी मैं जाऊँगा देखने थोड़ी देर में, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो सो जुड़े रही एंड तक और देखते रहिए पूरे स्टडी फॉलो। मैगजीन में ऐसे दे रखा है, मतलब पहले तो पूरा जो नेशनल है इंटरनेशनल है उनकी 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो दे रखी है, उसके बाद फिर नेशनल का। तो मैंने अभी वो किया है और नेशनल का पढ़ा है, बाकी पूरा मंथ अभी इसी पे मैं पढ़ने वाला हूँ, तो धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा। साथ में जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ करंट अफेयर का जो मंथली रिविज़न हम करते हैं वो भी मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं, तो एक अच्छा रिव्यू हो जाता है पूरा। उनकी 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो दे रखी है, उसके बाद फिर नेशनल का। तो मैंने अभी वो किया है और नेशनल का पढ़ा है, बाकी पूरा मंथ अभी इसी पे मैं पढ़ने वाला हूँ, तो धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा। साथ में जो मैं यूट्यूब पर देखता हूँ करंट अफेयर का जो मंथली रिविज़न हम करते हैं वो भी मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं, तो एक अच्छा रिव्यू हो जाता है। तो अब मैं करता हूँ मैथ का रिविज़न, और आज मैं लाइब्रेरी में नहीं गया हूँ, घर पे ही पढ़ रहा हूँ। तो कुछ बुक हैं जो भी अवेलेबल हैं उनको ही पढ़ना पड़ेगा। सो मैथ में फोकस मेरा अभी मेनली जो KVS का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी में कर रहा हूँ। सो उसमें मैथ का अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो आने वाला है। सो अर्थमेटिक में मैंने जो पहले किए थे परसेंटेज में कर चुका हूँ, लॉस प्रॉफिट भी कर चुका हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन भी मैंने पहले किया था, तो आज मैं करने वाला हूँ बोट एंड स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस में करने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं, 22 क्वेश्चन हैं पूरे इस एक्सरसाइज में, तो बाकी आके ने देखता हूँ दोबारा जब अभी जा रहा हूँ मैं। सर, मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक छोटा प्रोग्राम हो रहा है, अब वहाँ जा रहा हूँ देखने में, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो भी देखना ज़रूरी है। सो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे। तो ये तालाब है हमारे गांव का, काफ़ी बड़ा है और इसके आसपास काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और वो सामने आप देख रहे हैं वो अभी नया ग्राउंड बन रहा है हमारे गांव में, तो अभी यहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो पहले मैं भी खेलता था, पहले जब KUK में पढ़ता था तब वहां भी मैं यूनिवर्सिटी में खेलता था, और अब तो हालांकि कम हो गया क्योंकि वही टेंशन रहती है स्टडी की, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो ये गोला भी हमारे साथ आया हुआ था आज। सही है, इसने नू कर ले उधर ले नू बस नू 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 उधर ले।
हाँ ये नाच जाएगा। तो नाच के दिखा दे, तोड़े ही मनाया है। सो घर आने के बाद फिर ये छोटे मोटे ऐसे काम किए मैंने, जैसे भी पशुओं के लिए चारा काटा मैंने और भाई ने, और इसको एक साथ मतलब एक साइड में इसको लगा रहा हूँ अभी, और उसके बाद फिर वापस मैं जाऊँगा पढ़ने के लिए। तो भाई अभी मैं वहाँ से लगभग सुबह 11 बजे गया था मैं देखने, और अब 3 बजे मैं आया था वापस। तो थोड़ी देर सोने के बाद अभी मैं वापस जाऊँगा विजय घर पढ़ने के लिए। और अभी GS का मैं पढ़ने वाला हूँ ल्यूसेंट से, क्योंकि GS में भी यार मेरा चल रहा है जियोग्राफी का, तो काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, और जो आगे से वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो अब मैं GS पढ़ता हूँ, और GS में मेरे पास ये अरियंत की बुक है, एक्चुअली मेरी नहीं है, विजय की है, ये विजय लेके आया था, क्योंकि जो ल्यूसेंट है वो तो लाइब्रेरी में रखी है, तो इसके साथ ही आज मैं काम चलाता हूँ अपना। तो जियोग्राफी का देखता हूँ इसमें कैसा कुछ लिखा मिलेगा। ये आप देख रहे हैं बड़ी एक बार पढ़ रखी है ये, तो विजय ने पढ़ी थी एक बार पूरी है। सो, आज के इस स्टडी व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। सो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।